फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ गिटार पिक्स के बारे में, अलग अलग टेक्सचर्स, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप्स और अलग अलग कंपनीज के पिक्स के बारे में, थिन पिक्स, मीडियम पिक्स, हैवी पिक्स, इन सारी पिक्स के बारे में आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के गिटार लेवल के हिसाब से आप लोगों के लिए कौन सी आइडियल पिक रहेगी और मैं कौन सी पिक यूज़ करता हूँ, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो के हल्के से क्लोजअप लुक में आ जाते जिससे मैं आप लोगों को हर पिक को ध्यान से दिखा सकूं। सो क्लोजअप। सो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं वीडियो के क्लोजअप लुक में। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थिन पिक्स की, फिर हम लोग बात करेंगे मीडियम पिक्स की, और फिर हम लोग बात करेंगे अपनी हैवी पिक्स की, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग बात करें सबसे थिन पिक की, जो मेरे पास है वो है फेंडर की थिन पिक, नाम से पिक आती है, ठीक है। इसका कोई मेजरमेंट दिया नहीं होता, बट मेरे हिसाब से इसका जो मेजरमेंट होगा वो होगा 0.40 mm, ठीक है। और ये पिक बेस्ट रहती है आप लोगों की स्ट्रमिंग के लिए, ठीक है। सो अगर आप लोग बिगनर गिटारिस्ट और आप लोगों ने अभी अभी गिटार प्ले करना स्टार्ट करा है तो आप लोगों के लिए अच्छी पिक हो सकती है, बिकॉज ये आप लोगों को बिल्कुल हैंड वाला फील देते हैं और आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप लोग पिक से प्ले कर रहे हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, ठीक है। उसकी जो साउंड प्रोड्यूसिंग है वो भी बहुत सॉफ्ट है। बट अगर आप लोग हल्के फुल्के बिगनर से अपर लेवल में आते हैं और आप लोग कुछ कॉर्ड्स प्ले कर लेते हैं, कुछ स्ट्रमिंग प्ले कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए पिक अच्छी नहीं है, बिकॉज इसका जो मटेरियल है वो बहुत सॉफ्ट आता है और इसमें आप लोगों को कोई ग्रिप नहीं मिलती है पकड़ने के लिए। सो अगर आप लोग एक्सट्रीम और हार्ड स्ट्रमिंग करते हैं तो आप लोगों के हाथों से फिसल सकती है, ठीक है। सो ये सिर्फ बिगनर गिटारिस्टों के लिए है और आप लोग देख सकते हैं इसका जो साउंड आती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट से आती है। सो ये पिक सिर्फ बिगनर गिटारिस्ट के लिए है। सो अगर आप भी बिगनर गिटारिस्ट हैं तो आप लोगों को इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप लोगों को ये बाय करनी हो तो आप लोग इसका लिंक डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपनी सेकंड पिक में, जो है डेनलूप की, ठीक है। ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसकी पिक्स मैं यूज़ करता हूँ सबसे ज़्यादा, ठीक है। डेनलूप बहुत ही प्यारी कंपनी है और ये जो पिक्स बनाती है बहुत ही अच्छे मटेरियल से बनाती है। आप लोग जब इसको पैकेट से निकालेंगे तो आप लोगों को इसमें हल्का फुल्का एक डस्ट सी फील होगी, ठीक है, हल्के सी आप लोगों को पाउडर से फील होगी, जो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से ग्रिप देती है और ये पाउडर की फील आप लोगों की बिल्कुल एंड तक नहीं जाती है, ठीक है। सो बहुत ही प्यारी आप लोगों को इसकी ग्रिप मिलती है और ये है आप लोगों की 0.5 mm की पिक, ठीक है, और बहुत ही प्यारी है स्ट्रमिंग पैटर्न्स के लिए, ठीक है। अगर आप लोग बिगनर से हल्के से अपर लेवल में आते हैं तो आप लोगों के स्ट्रमिंग के लिए बेस्ट पिक है। अगर आप लोगों को पिक्स हैंडल करने आती है तो आप लोग इससे बहुत अच्छी स्ट्रमिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोगों को बहुत सॉफ्ट साउंड देती है, बट ये उतनी सॉफ्ट नहीं दे सकती जितनी आप लोगों को फेंडर वाली देती है, बिकॉज फेंडर वाली का जो टेक्सचर है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, तो जब वो आप लोगों की स्ट्रिंग से रब होती है तो वो बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। सो ये आप लोगों के लिए तब यूज़ करनी है आप लोगों को जब आप एक इंटरमीडिएट गिटारिस्ट से हल्का से नीचे हो, तब आप लोग इसको स्ट्रमिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो आ जाते हैं हम अपनी थर्ड पिक में, जो है आप लोगों की डियर डायरियो की पिक, ठीक है। ये पिक उन लोगों के लिए है जो एक बिगनर गिटारिस्ट है बट वो लोग लीड पार्ट प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। हर बिगनर गिटारिस्ट हैवी पिक्स यूज़ नहीं कर पाता, तो वो उन लोगों को हल्की सी थिन पिक चाहिए होती है, बट अगर आप एक लीड गिटारिस्ट है तो आप लोगों को थोड़ा सा थिक पिक भी चाहिए होती है, तो कन्फ्यूजन होता है जो बिगनर गिटारिस्ट होते हैं वो लोग तय नहीं कर पाते कि हम लोग किस पिक से बजाएं, तो ये पिक आप लोगों के लिए बेस्ट है, बिकॉज ये पिक आप लोगों को एक फील देगी थिक पिक वाला, जबकि ये थिन पिक है, ठीक है। सो आप लोगों के हाथों में बहुत ही फिट होगी, इसके छोटे साइज़ की वजह से जो इसकी मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि थिन पिक्स और थिक पिक्स में रियली में फ़र्क क्या होता है। जब आप थिन पिक्स को बजाते हैं तो वो हल्का सा पहले नीचे को जाती है फिर ऊपर आती है, ठीक है। सो ये जो टाइम लैप है, ये टाइम लैप आप लोगों को स्लो करता है जब आप लोग फास्ट लीड पार्ट्स बजाते हैं, तो इसीलिए आप लोग थिन पिक से आप लोग लीड पार्ट्स बजा नहीं पाते हैं फास्ट वाले, ठीक है। अगर आप लोग एक हार्ड पिक लेते हैं, जैसे ये हार्ड पिक नहीं है पर तब भी ये छोटी पिक है, अगर आप लोग इसको ऊपर वाले पार्ट को अगर ऐसे करके हिलाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही कम मूवमेंट है, जितनी कम मूवमेंट होगी उतनी आप लोग जो प्रैक्टम है उससे तेज तेज स्ट्रिंग्स में प्ले कर पाएंगे, ठीक है। सो ये पिक उन लोगों के लिए है जो एक बिगनर गिटारिस्ट हैं और थिन पिक से फील चाहते हैं थिक पिक वाला, सो उन लोगों के लिए ये पिक है। यह आती है आप लोगों की, यह है आप लोगों का डियर डायरियो की 5.8 mm की पिक, आप लोगों को इसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। आ जाते हैं हम अपनी फोर्थ पिक में, जो है आप लोगों की शायद इंडियन मेड पिक है ये, क्राफ्टर नाम की, ठीक है। इसमें लिखा रहता है आप लोगों की नाइलॉन पिक 0.5 mm, ठीक है। ये बहुत यूज़ होती है बिगनर गिटारिस्टों के हाथों में, ठीक है। मैंने बहुत सारे बिगनर गिटारिस्ट देखे जो इस पिक को यूज़ करते हैं और ये बहुत चीप पिक भी है, ठीक है, और सही पिक है। इसके आपको ऊपर इसकी ग्रिप मिल जाती है बहुत अच्छी पकड़ने के लिए, अगर आप बिगनर तो आपके हाथों से बिल्कुल स्लिप नहीं होगी, आप देख सकते हैं, और नीचे आप लोगों को एक अच्छा सा सॉफ्ट सा टेक्सचर मिल जाता है। तो स्ट्रमिंग पैटर्न और लीड पार्ट दोनों के लिए बहुत बेस्ट है अगर आप एक बिगनर गिटारिस्ट हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा मनी वेस्ट नहीं करना चाहते अपनी पिक्स में, ठीक है, 100 रुपीज़ वेस्ट नहीं करना चाहते, तो आप लोग ये 20 रुपीज़ की करीब आती होगी, 20 या 10 रुपीज़ की पिक्स आप लोग इसे भी ले सकते हैं, आप लोगों के बहुत काम ये पिक आएगी, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं, इसका नेम पढ़ सकते हैं और इसका लिंक अगर ये कहीं ऑनलाइन अवेलेबल होगी तो मैं आप लोगों को नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है।
सो अभी तक हमने जो तीन पिक्स करी थी वो तीनों पिक्स आप लोगों की यूएसए मेड थी, और ये शायद आप लोगों की फर्स्ट थी जो आप लोगों की इंडियन मेड थी। ठीक है, अब आ जाते हैं मेरी बेस्ट पिक में जो मैंने बहुत ही साल यूज़ करी, आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे प्ले कर करके घिस दिया है। ठीक है, सो ये मैंने बहुत सालों के लिए अपनी यूज़ करी थी, इसे हम कहते हैं गेटअप पिक बाय डैन लुप। ठीक है, सो ये बहुत ही यूनिक पिक है और वन ऑफ द बेस्ट पिक है जो आप लोगों को कभी भी मिलेगी। ठीक है, अमेजोन में आप लोगों की आसानी से मिल जाती है, बट इसकी कॉस्ट बहुत हाई जाती है। ठीक है, और इसके स्टॉक्स हमेशा बाहर रहते हैं बिकॉज ये पिक बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। इसका जो साइज है, इसका जो टेक्सचर, इसका जो मटेरियल है सबसे बेस्ट है। ठीक है, और मैं भी इसके जो हैवी वाली है इसकी हैवी वाली भी यूज़ करता हूँ, इसकी लाइट वाली यूज़ करता हूँ अपनी स्टमिंग के लिए। सो ये बहुत बेस्ट है, ये आती है 0.58 mm की गेटअप पिक, बहुत ही प्यारी पिक। अगर आप एक इंटरमीडिएट गिटारिस्ट हैं, इंटरमीडिएट से हल्के से नीचे लेवल में आते हैं, तो आप लोग ये पिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये वाली पिक्स के बहुत सारे वेरियंट्स आते हैं, 0.58 आता है, 60 आता है, 73 आता है, 88 आता है, 91 भी आता है। ठीक है, सो बहुत सारे इसके वेरियंट्स आते हैं। अगर आप लोगों को ये कहीं पर चीप रेट्स में मिल लिया तो आप लोग इसे पक्का बाय कर लेना। ठीक है, सो ये बेसिकली आप लोगों को ज़्यादा आसानी से मिलेगी नहीं, पर ये वन ऑफ द बेस्ट पिक है गेटअप पिक्स। सो मैं आप लोगों को इसकी हल्की सी साउंड सुना देता हूँ। ठीक है, ये तो कोई स्ट्रमिंग की और लीड पार्ट में भी इसकी आवाज़ अच्छी है। ठीक है, सो आप लोग इससे हल्का सा जज कर सकते हैं। सो ये थी गेटर की 0.58 mm, इसके लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा अगर ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगी तो। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपनी वापस टॉरटेक्स में जो थी डैन लुप की टॉरटेक्स, इसका मैंने आप लोगों को पहला वर्जन दिखाया था ये वाला। ठीक है, जो था 0.5 mm का, ये आप लोगों का 0.6 mm का। ठीक है, इसी का एक ये बड़ा वर्जन है, अगर आप लोग इसको प्ले कर करके थक चुके हैं तो आप लोग इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए स्ट्रमिंग एंड एज ए लीड। ठीक है, ये आप लोगों का हल्का सा मीडियम की तरफ आ जाता है। ठीक है, ये उतनी थिन भी नहीं होती है और उतनी थिक भी नहीं होती। ठीक है, ये बिल्कुल मीडियम में आ जाती है। ठीक है, सो इससे आप लोग लीड और जो स्ट्रमिंग है वो दोनों कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा आप लोगों की बिगनर और इंटरमीडिएट के बीच वालों के लिए। ठीक है, सो आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक बिगनर और मीडियम के बीच के गिटारिस्ट हैं। ओके, सो ये हो गया आप लोगों की गेटर की 0.6 mm। ओके, सो आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट पिक में जो है एलाइस की पिक। ठीक है, इसके मेरे पास 3-4 वेरियंट्स पड़े हैं। ठीक है, सो ये तीनों बिल्कुल सेम एमएम के, 0.71 mm के। ठीक है, ये मुझे मेरे इलेक्ट्रिक गिटार के साथ फ्री मिले थे, बट ये सिर्फ एक ऐसी गिटार पिक्स है जो मुझे एलाइस की पसंद आई है। वैसे मुझे एलाइस की पिक्स पसंद नहीं है, बट ये वाली पिक बहुत ही सही पिक है बिकॉज इसमें आप लोगों को ऊपर जो मिलता है ग्रिप बहुत मोटी मिलती है और नीचे को आप लोगों को ये पतला होते जाता है, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी स्ट्रमिंग और लीड दोनों पार्ट के लिए बहुत ही अच्छा फील देती है। ठीक है, सो एलाइस की ये पिक मिल जाती है आप लोगों को, ये चीप पिक्स है। ठीक है, आप लोगों को अमेजोन में सबसे चीप पिक्स मिल जाएंगी और बहुत ही अच्छी पिक्स हैं। अगर आप लोग एक लीड और स्ट्रमिंग दोनों गिटार प्ले करते हैं तो आप लोगों के लिए एक अच्छी पिक हो सकती है अगर आप लोग बिगनर इंटरमीडिएट के बीच में आते हैं। ठीक है, सो यू कैन बाय दिस, मैं आप लोगों को लिंक्स दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मेरी क्लोजेस्ट फेवरेट में। ठीक है, ये मेरी सेकंड फेवरेट पिक है जो आती है 0.73 mm, ये भी आप लोगों की टॉरटेक्स की। जैसे मैंने आप लोगों को टॉरटेक्स के दो वेरिएंट्स दिखाए थे, ये वाले, ये था 5 का, ये था 6 का, और ये है 7.3 mm का। ये भी बहुत अच्छी पिक है। ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छा लीड पार्ट के लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगी। आप इससे इंटरमीडिएट, अगर आप इंटरमीडिएट गिटारिस्ट हैं तो आप लोगों के लिए लीड पार्ट के लिए, अगर आप एक इंटरमीडिएट गिटारिस्ट और आप लोग ज़्यादा थिक पिक यूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है, आप लोग थिनी पिक यूज़ करना चाहते हैं, मीडियम पिक, तो आप लोगों के लिए बेस्ट पिक है बिकॉज ये बिल्कुल भी अपनी बिल्कुल रिजिड पिक है। ठीक है, ये ऐसे करके बैंड ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, बहुत ही प्यारी पिक है और आप लोग इससे स्ट्रमिंग और जो लीड पार्ट है दोनों प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को सॉफ्ट साउंड प्रोड्यूस करती है और लीड पार्ट के लिए आप लोगों को बहुत तो बहुत ही अच्छी आप लोगों को जो स्टेबिलिटी है वो मिलती है इससे। ठीक है, सो ये है टॉरटेक्स की 0.73 mm की पिक, आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा अलग से। ठीक है, इसका आप अलग से पैकेट भी ले सकते हैं और इन जो मैंने आप लोगों को अभी तक ये पिक्स दिखाई है, इन सारे पिक्स का एक 6 वाला बंडल भी आता है। जैसे ये 3 पिक्स हैं और 3 पिक्स मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा, वो 6 पिक्स आप एक एक वेरिएंट्स खरीद सकते हैं और आप लोग चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट पिक्स हैं जो सारे गिटारिस्ट यूज़ करते हैं टॉरटेक्स की। ठीक है, टॉरटेक्स और गेटर सबसे बेस्ट पिक्स है, आपको गेटर वाली दिखाई थी। ठीक है, ये हल्की सी मिलती नहीं है, यूनिक है, इसलिए ज्यादा लोग इसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी ये आप लोगों को आसानी से मिल जाती है, इसलिए ये लोग ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, सो वहां अब आप लोगों को दिखाने वाला हूं वन ऑफ द बेस्ट पिक जो मेरी है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द गिटारिस्ट की जो बेस्ट पिक होती है, आप लोगों ने इसे देखा होगा बहुत सारी वीडियोज में, अगर आप लोग ट्यूटोरियल्स देखते हैं या वीडियोज देखते हैं किसी अच्छे गिटारिस्ट के, तो आप लोगों ने इस पिक्स को बहुत ज्यादा देखा होगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा बिकने वाली पिक है आप लोगों की, ये आती है टॉरटेक्स 0.88 mm। ठीक है, ना ज्यादा हैवी ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे बेस्ट पिक फॉर इंटरमीडिएट एंड
द एडवांस प्लेयर्स, ठीक है, ये बिल्कुल आप लोगों की रिजिड है, ठीक है, और ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छा सा फील देती है, ठीक है, सबसे बेस्ट पिक आप लोगों की मानी जाती है। अगर आप लोग बहुत सारे गिटार्स देखेंगे जैसे स्टीवी टी हो गया, या फिर आप लोगों के जितने आप लोग अगर फॉरनर्स गिटारिस्ट भी देखते हैं तो वो लोग मैक्सिमम यही वाली गिटार पिक यूज़ करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, मार्टिन और ये सब, ठीक है। सो ये सबसे बेस्ट पिक है, इसका मैं आप लोगों को अलग से एक लिंक दे दूंगा, ये होगी 0.88 mm से आप लोगों को नीचे वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप लोग इस वीडियो को खरीद सकते हैं अगर आप इंटरमीडिएट गिटारिस्ट हैं और आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों के हाथों में पिक्स स्टेबल रहती है तो आप लोग इस जो पिक है इसको खरीद सकते हैं बिना किसी डाउट के, आप लोगों की वन ऑफ दी फेवरेट पिक बन जाएगी पक्की, ठीक है। सो ये मेरी भी वन ऑफ दी फेवरेट है, ओके, वन ऑफ दी फेवरेट नहीं, इट्स माई बेस्ट पिक, ओके। इस वेरियंट्स में अगर मुझे गेटर की एक पिक मिलती है तो वो मेरी बेस्ट बन जाएगी, बिकॉज गेटर का जो फील है वो इसमें नहीं आता, बट दोनों हम बेसिकली बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। गेटर आप लोगों को हल्की सी छोटी मिलती है और जो आप लोगों की टॉर्टेक्स है इसका टिप हल्का सा बड़ा मिलता है, बट दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप लोग इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, बट 0.8 mm इज द बेस्ट मेजरमेंट, ठीक है, फॉर आ गिटार पिक। आ जाते हैं इससे हल्की सी थिक पिक में, जो है 1.4 mm, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 1.14 mm, ठीक है, ये हल्की सी थिक पिक्स में आ चुकी है अब, ठीक है, ये हैवी पिक है, बिल्कुल भी बैंड नहीं होगी, आप लोग देख सकते हैं। और ये है टॉलटेक्स की, बिल्कुल सेम आप लोगों को जो मैंने तीन अभी तक चार वेरियंट्स दिखा दिए हैं इसके, ये चार आप लोगों को मैंने दिखाए, ये चार मैंने आप लोगों को दिखाया, इसका ये पांचवा वेरिएंट है जो आता है 1.4 mm का। सो बेसिकली मैंने भी आप लोगों का जो मैंने आप लोगों को बताया था कि सिक्स पैक वाला जो आता है उस वो मैंने भी खरीदा था, क्योंकि मैं भी आप अपनी एक आइडल पिक चाहता था जिसमें मुझे ग्रीन वाली सबसे ज़्यादा बेस्ट पसंद आई, ठीक है, उसमें से ये भी एक पिक थी जो थी 1.4 mm की। इसको मैंने अभी तक ज़्यादा प्ले नहीं करा, आप देख सकते हैं कि इसका जो प्रिंट है वो भी अभी तक हटा नहीं है, तो आप लोग टॉरटेक्स का जो प्रिंट है वो ध्यान से आप देख सकते हैं, इसमें बिल्कुल सही छपा हुआ है, ठीक है। सो ऐसी ये पिक है, ये भी पिक बेस्ट है, ठीक है, ये भी पिक अच्छी है, बहुत सारे लोग इसे भी यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा मेटल प्ले करते हैं, जिनको ज़्यादा ही फास्ट प्ले करना होता है वो लोग इसे प्ले करते हैं। मेरा दोनों टाइप के मैं सॉन्ग्स प्ले करता हूँ, स्ट्रमिंग और लीड दोनों, तो मैं 8.88 mm की यूज़ करता हूँ, पर बाकी बहुत सारे लोग इसे भी यूज़ करते हैं, ठीक है, सही हो गया आप लोगों की 1.4 mm। और अब लास्ट पिक में हम लोग आ जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा हैवी पिक मेरे पास टाइम है वो है टॉरटेक्सी 1.5 mm, ठीक है, 1.5 mm, इसे मैंने कभी अभी तक यूज़ किया नहीं है बिकॉज मुझे ज़रूरत पड़ी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड पिक है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी आप लोगों की बैंड नहीं होगी, और ये काम आती है बिल्कुल जो मेटल हेड्स होते हैं उनके, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड पिक है, और जो बहुत ज़्यादा स्ट्रमिंग नहीं करते सिर्फ लीड पार्ट ज़्यादा करते हैं तो उनके लिए ज़्यादा काम आती है, ठीक है। अगर आप इससे स्ट्रमिंग करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं इसकी बहुत ज़्यादा हैवी सी साउंड आएगी, बेसिकली आप इसे भी सॉफ्टली बजा सकते हैं अगर आप लोग अपने हाथ ढीले छोड़ दें, बट उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप लोगों की पिक ड्रॉप हो सकती है, ठीक है, और आप लोगों को ये वाला फील कभी नहीं मिलेगा इससे जो मैंने आप लोगों को दिखाया था स्टार्टिंग में। आप इसे कितना भी टाइट पकड़े कितना भी ढीले पकड़े आप लोगों को बिल्कुल हैंड वाली फील आएगी। आ जाते हैं हम अपनी सोम, आप लोगों को दो ऐसी पिक्स दिखाने वाला हूँ जो मेरी खुद की बनाई हुई है, ठीक है, ये मैंने तब बनाई थी जब मेरे को हार्ड पिक कहीं से नहीं मिल रही थी, ठीक है। सो मैंने अपनी एक ATM कार्ड को तोड़ के दो पिक्स बनाई थी, तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो मैं इसका भी ट्यूटोरियल दे सकता हूँ कि कैसे मैंने दो पिक्स बनाई हैं, और ये दो पिक्स भी आप लोगों की 0.8 mm की ही थी, ठीक है, और ये भी मेरी एक टाइम की फेवरेट पिक्स रह चुकी हैं, इसको मैंने बहुत प्ले करे, आप लोग देख सकते हैं, जब तक मेरे पास 0.8 mm वाली नहीं थी तब तक मैं इसे ही प्ले करता था, ठीक है। सो ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स थी, तो अगर आप लोग चाहें तो मैं बता सकता हूँ कि मैंने कैसे इसे बनाया है, ओके। सो यही था पूरा लेसन आज का, कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी पिक्स के बारे में बताया, अब मैं आप लोगों को द बेस्ट पिक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप एक बिगनर गिटारिस्ट हो तो आप लोगों के लिए ये वाली बेस्ट रहेगी, मैंने आप लोगों को बताया था फॉर स्ट्रमिंग। अगर आप लोग हल्के से बिगनर से ऊपर है तो आप लोगों के लिए ये वाली बेस्ट रहेगी फॉर स्ट्रमिंग 0.5 mm वाली। अगर आप लोग इंटरमीडिएट गिटारिस्ट हो तो आप लोगों को लीड और स्ट्रमिंग दोनों के लिए ये वाली बेस्ट रहेगी। अगर आप लोग इससे हल्का सा हैवी जाना चाहें तो ये तो बेस्ट है ही, आप लोगों को पता है मेरी बेस्ट सबकी बेस्ट, ठीक है, ये आप लोगों को सबसे बेस्ट रहेगी 0.88 mm। और अगर आप लोग एक मेटल हेड है आप लोगों को हैवी पिक चाहिए तो आप लोगों के लिए ये बेस्ट रहेगी 0.5 mm वाली, ठीक है। सो ये थे आज का पूरा लेसन। सो अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सर्कल में क्लिक मार सकते हैं, दूसरी वीडियो देखने के लिए आप इन बॉक्सेस में क्लिक मार सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अच्छे से वीडियो में, टिल द बाय, जय हिंद।